नमस्ते, मेरा नाम विशेरा सिंह है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। जिन शब्दों का अर्थ एक से सामान्य होता है उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि हम कमल को पंकज और नीरज भी कहते हैं, घर को हम भवन भी कहते हैं, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं और दोस्त को मित्र व सखा भी कहते हैं। ऐसे कुछ शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। अब मैं आपको पर्यायवाची शब्द को वाक्य में प्रयोग करके बताने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला, पेड़ का होता है वृक्ष, तो हम ये कह सकते हैं वृक्ष हमें छाया व फल देता है। तो ये हुआ हमारा पहला पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग। दूसरा, हम कह सकते हैं कमल, कमल का होता है नीरज, हम कह सकते हैं नीरज पानी में उगता है। तीसरा, घर को हम भवन भी कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं मेरा भवन बहुत बड़ा है। तो ऐसे कुछ शब्द आप भी अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। शुक्रिया।